सोमवार को डिप्टी आरएमओ विजेता सिंह अचानक धान क्रय केंद्र मंडी परिसर भेजोई पर पहुंची। डिप्टी आरएमओ ने धान क्रय केंद्र पर मौजूद किसानों से धान खरीद के बारे में जानकारी ली और बिना किसी परेशानी के धान क्रय करने का आश्वासन दिया। डिप्टी आरएमओ ने बताया कि क्रय केंद्रों पर धान खरीद के टोकन अधिक थे तथा किसान कम संख्या में मौजूद मिले। क्रय केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिया गया कि जिन किसानों के टोकन है और वे नहीं आए हैं उन्हें फोन नंबर द्वारा सूचित कर 4 बजे से पहले बुला लें और धान की खरीद की जाए। उन्होंने बताया कि धान क्रय केंद्रों पर मानक के अनुरूप खरीदे जा रहे हैं और हल्की नमी है तो भी किसानों से खरीद करने के लिए क्रय केंद्र प्रभारियों से कहा गया है। धान क्रय केंद्रों का आपने निरीक्षण किया है, क्या मिला? देखिए, धान क्रय केंद्रों के निरीक्षण में हमने पता किया कि इनके टोकन कितने लगे हुए हैं और कितने किसान आए हैं। तो टोकन ज्यादा है लेकिन किसानों के केंद्र पर आने की संख्या कम है। तो केंद्र प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि टोकन में क्योंकि किसानों के फोन नंबर भी आ रहे हैं तो उनसे संपर्क करकर उनसे वजह पूछे कि वो क्यों नहीं आए। क्योंकि व्यवस्था ये की गई है कि अगर 4 बजे तक आकर किसान अपना अंगूठा नहीं लगाएगा, उपस्थिति दर्ज नहीं करवाएगा तो उसका टोकन स्वतः निरस्त हो जाएगा। तो इस तरह की समस्या में किसान ना पड़े इसके लिए केंद्र प्रभारियों को निर्देशित किया कि उनसे फोन पर वार्ता कर लें और उन्हें बुला लें। अगर कोई समस्या है तो फिर वो अपना बताएं।